हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान लेकर आया हूँ, जो कि आपके जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं, SSC, बैंक, रेलवे इत्यादि सभी सामान्य प्रतियोगिताओं में काम आने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सागर, मैग्रो झील, घास मैदान। दूसरा है मैग्रो सागर घास मैदान झील। तीसरा है मैग्रो घास मैदान झील सागर। चौथा है सागर झील घास मैदान मैग्रो। आंसर होगा मैग्रो सागर घास मैदान झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवो बायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति अनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है, वे कहलाते हैं परिसिस्टेंट, रिकेल्सीट्रांट, बायोडिग्रेडेबल। ये सभी दोस्तों आंसर होगा रिकेल्सीट्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों में अप्रकृतिम कर देता है, यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, यह कार्डियक अरेस्ट करता है। आंसर होगा यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाता है उत्परिवर्तन, एपिस्टेसिस, प्रभाविता, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर लसिका यानी हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है संधिपाद, शूलचर्मी, एस्केरिस, एनेलिड। आंसर होगा संधिपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विषाणु जो कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? पेटिकांशक, चंद्रकाव, प्रायोन, बायरियोन। आंसर होगा केंद्रकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बंधे प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा, तरल प्रतिरक्षा। आंसर होगा तरल प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा, म्यूकर। आंसर होगा राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसवी निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? एसरेकिया, नाइजीरिया, एंट अमीबा, ट्रिपेनोसोमा। आंसर होगा ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? चमड़े की बेल्ट, रजत पन्नी, लोहे की कीलें, प्लास्टिक के मग। आंसर होगा चमड़े की बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाल वफ पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कवक कहा जाता है? काष्ठरागी, शिलावासी, समलरागी, बकवासी।
आंसर होगा बल्कवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवर्धन का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, अति लोलू पतापूर्ण खान पान। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल यानी जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग हैं। दीर्घीकरण का जोन यानी क्षेत्र, मूल गोपा का जोन यानी क्षेत्र, कोशिका विभाजन का जोन यानी क्षेत्र, मूल रोमों का जोन यानी क्षेत्र। आंसर होगा मूल रोमों का जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं बीजों के अधि चर्मी रेशे, जड़ों के काष्ठीय रेशे, जड़ों के फ्लोएम रेशे, स्तंभों के बल्कल रेशे। आंसर होगा बीजों के अधि चर्मी रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिली एसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिरा विन्यास दर्शाता है यह है, सीला, स्माइलेक्स, एलो, एलियम। आंसर होगा स्माइलेक्स। तो दोस्तों आज तक के यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।